Hey guys, thank you so much for coming back. मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। कैसा बच्चे लोग सारे? चलिए बच्चे लोग, आज का वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एफकैट 2020 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। जी हाँ, जो कि डिफेंस के एस्पिरेंट स्पेशली इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके पास एक सुनहरा मौका है आफ्टर ग्रेजुएशन डिफेंस में इंडियन एयरफोर्स में जॉब करने का। तो क्या होता है एफकैट एग्जामिनेशन, जिसका रिसेंट में नोटिफिकेशन है, उससे जुड़ी हर एक डिटेल आज के वीडियो में डिस्कस हम करने वाले हैं। नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे, फिर एफकैट का डिटेल वे में डिस्कशन करेंगे। एग्जामिनेशन होता क्या है, पैटर्न क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्या रहता है, शुरुआत से लेकर एंड तक आपको वीडियो देखना है। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वीडियो में रजिस्ट्रेशन वगैरह के इंपॉर्टेंट डेट्स, क्योंकि यह एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन होता है। इसका पूरा प्रोसेस एफकैट की ऑफिशियल वेबसाइट में होता है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आपको रीड करना है, जहां पर सारी डिटेल वगैरह होती है, टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी मैंने वो अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप का आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। चलिए, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों लोगों 1 दिसंबर 2020 से। तो अभी जब भी आप ये एग्जामिनेशन देख रहे हैं, आई होप सो सही डेट को देख रहे होंगे, आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कर। लास्ट डेट है 30 दिसंबर 2020, तो एक महीने की नियर अबाउट अप्रोक्स आपको ये विंडो मिलती है, जिसके बीच आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। फीस पेमेंट से लेकर डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह सारे काम जो हैं ऑनलाइन ही होते हैं, राइट। ज्यादा जानकारी के लिए पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में पढ़ना मत भूलिएगा अप्लाई करने से पहले, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत रिलैक्सेशन वगैरह भी होते हैं, फिजिकल फिटनेस के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, तो वो सब मेट करने ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिना पढ़े अप्लाई मत करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया है, प्लीज जाके एक एक चीज रीड करिए, राइट। चलिए, एग्जामिनेशन होगा बच्चा फरवरी 20 और 21 2021 का ये नोटिफिकेशन है। एफकैट साल में दो बार एग्जामिनेशन होता है। पहला जो शुरुआत में जो एग्जामिनेशन रहता है फरवरी मार्च अप्रैल में, उसको एफकैट 1 बोलते हैं, और जो सितंबर नियर अबाउट में होता है उसको एफकैट 2 बोलते हैं। जैसे एनडीए 1 एनडीए 2 होता है, वैसे ही हमारा एफकैट एग्जामिनेशन होता है। सिंपल हो रहा है। चलिए, एफकैट की डिटेल, जो नए बच्चे हैं जो इस एग्जामिनेशन के बारे में कम जानते हैं या फिर पुराने भी बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं। ये एग्जामिनेशन साल में दो बार होता है। पर्पस क्या है, यहां पर सेलेक्ट करते हैं ग्रुप ए गैजेट ऑफिसर, गैजेटेड ऑफिसर आप बन जाते हैं अगर आप ये एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं। दो पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन होता है। एक होती है फ्लाइंग ब्रांच और दूसरी होती है ग्राउंड ड्यूटी। ग्राउंड ड्यूटी में दो कैटेगरी होती है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, जिसको एक्स और वाई भर्ती भी बोलते हैं। सिंपल हो रहा है। चलिए, एलिजिबिलिटी, अब ध्यान देने की बात यह है कि फ्लाइंग ब्रांच और टेक्निकल या नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी में दोनों की एलिजिबिलिटी अलग है, क्या है देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्लाइंग ब्रांच की। यहां पर आपकी एज 20 से 24 के बीच में आपकी होनी चाहिए। एज क्या होनी चाहिए, 20 से 24 के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें, 10+2 आपका होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स इन मैथ एंड फिजिक्स। दो एलिजिबिलिटी है क्वालिफिकेशन में, 10+2 में, मतलब 12th लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पर। तो यहां पर क्या है, 10+2 लेवल पर मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए और फिजिक्स और मैथ आपके पास होनी जरूरी है। अगर ग्रेजुएशन की बात करें, ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। सिंपल हो रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। यहां पर 10+2 लेवल पर आपका क्या होना चाहिए, पीसीएम होना जरूरी है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में दोनों में इंडिविजुअली 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन से हो सकता है, लेकिन मेक श्योर क्या करना है, 60% मार्क्स आपके मिनिमम हो। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, क्लियर। फिजिक्स और मैथ होना 12th लेवल पर जरूरी है, दोनों में 60% जरूरी है, और ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन से हो लेकिन 60% मार्क्स होने जरूरी है। सिंपल हो रहा है, फ्लाइंग ब्रांच का ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब बात कर लेते हैं ग्राउंड ड्यूटी में दो चीजें होती है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में एज है 20 से 26 और 10+2 होना जरूरी है। अगेन सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 60% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स और मैथ इंडिविजुअली में दोनों में, और 4-year डिग्री होनी चाहिए आपकी इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में, मतलब बीई होना चाहिए या फिर आपका बीटेक होना चाहिए टेक्निकल के लिए।
सिंपल हो रहा है। नॉन टेक्निकल के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 20 से 26 एज वही है। यहां पर सिर्फ ग्रेजुएशन है, किसी भी डिसिप्लिन से हो सकता है, मिनिमम 60% मार्क्स है। तो अगर आप अदर देन साइंस स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के हैं या फिर कॉमर्स के लिए हैं, तो आप ग्राउंड ड्यूटी में नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हेलो पूरे बच्चों क्लियर? अगर आप साइंस के हैं तो फ्लाइंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉन टेक्निकल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अदर देन साइंस हैं तो सिर्फ आप ग्राउंड ड्यूटी में नॉन टेक्निकल पे ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ ग्रेजुएशन जरूरी है 60% मार्क्स से। आपके पास साइंस है या नहीं है वो मैटर नहीं करता। एम आई मेकिंग सेंस? हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, एफकैट के एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। देखिए जो नॉर्मल कैंडिडेट है, दो इसमें इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, ईके एटी बोलते हैं जिसको, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, ईकेटी, राइट, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट बोलते हैं, वो भी देना पड़ता है ग्राउंड ड्यूटी में अगर आपने टेक्निकल में अप्लाई करा है। ग्राउंड ड्यूटी में अगर आपने टेक्निकल पे अप्लाई करा है तो इस एग्जामिनेशन के साथ वो एग्जामिनेशन भी आपको देना पड़ता है, नहीं तो अगर आपने फ्लाइंग के लिए और हमारा नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करा है तो ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न बनता है। ये तो देना ही पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ये देना पड़ेगा टेक्निकल वालों को, राइट, ई जो इंजीनियरिंग आपका नॉलेज टेस्ट है ईकेटी वालों को, वो उनको एक और एग्जामिनेशन देना पड़ता है इसके साथ साथ, राइट। तो यहां पर बेसिकली चार सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं, पहला जनरल अवेयरनेस, दूसरा वर्बल एबिलिटी, तीसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी, चौथा रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। अब यहां पर बात करें तो 100 क्वेश्चन आते हैं, 20, 30, 15, 35 नंबर ऑफ सेक्शन के अकॉर्डिंग आते हैं, टोटल मार्क्स 300 रहते हैं। तो आप देख सकते हैं हर राइट आंसर के आपको 3 मार्क्स मिलेगा, नेगेटिव है -1 की। हर राइट आंसर का 3 मार्क्स आपको मिलता है और नेगेटिव क्या है -1 की। ऑनलाइन आपका ये एग्जामिनेशन होता है और सिर्फ इंग्लिश में ही एग्जामिनेशन होता है एफकैट, तो आपको ध्यान रखना है हिंदी में ये एग्जामिनेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। एक और चीज, टाइम जो है टोटल टाइम आपको 4 सेक्शंस के लिए मिलेगा 2 आवर्स का, राइट, 120 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं एफकैट के एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। सिंपल हो रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, राइट। तो एफकैट का एग्जामिनेशन आप फ्लाइंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर ग्राउंड ड्यूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सबको देना जरूरी है, सिंपल रख रहा हूं, राइट। आप फ्लाइंग के लिए अप्लाई करें या फिर ग्राउंड ड्यूटी के लिए अप्लाई करें, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, ये एग्जामिनेशन सबको देना जरूरी है। जिन्होंने टेक्निकल के लिए अप्लाई करा है ग्राउंड ड्यूटी में, उनको इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट और एक एग्जामिनेशन है जिसमें आपकी इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट करी जाती है, वो एग्जामिनेशन भी देना पड़ता है। सिंपल हो रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, राइट। इसके बाद आपका इंटरव्यू प्रोसीजर होता है, वेल नोन SSB इंटरव्यू होता है, मेडिकल फिटनेस टेस्ट और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सिंपल हो रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, राइट। देखिए कई बच्चों को लगता है सर आप 2-3 बार एक ही चीज बोलते हैं, समझाना पड़ता है, राइट, क्योंकि जरूरी नहीं है डिफेंस में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो हो, कोई बच्चा 10th में है 8th में है वो ये भी वीडियो देखता है, तो उनको सिंपल भाषा में कोशिश करता हूं मैं समझा पाऊं। आई होप सो आप इरिटेट नहीं होते हो, राइट। चलिए तो ये थी सिंपल डिटेल, इंपॉर्टेंट डिटेल। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी है अप्लाई करने से पहले, वो आप चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर वो अपलोड हो चुका है, आप सारी डिटेल अप्लाई करने से पहले वहां देख सकते हैं। और मेक श्योर करिएगा 30 दिसंबर से पहले पहले इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करें। और क्या डिटेल मुझसे चाहते हैं इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने की, अगर टिप्स एंड ट्रिक्स चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं आप। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा 60 डेज की 90 डेज की, जहां पर आप एफर्ट लगाकर अच्छी बुक्स पढ़कर इस एग्जामिनेशन को फर्स्ट टाइम में ही क्रैक कर सकते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, वैल्यूएबल वीडियो रहा होगा। कैसा लगा वीडियो जरूर अपना सजेशन जरूर बताइएगा मुझे, वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप फॉलो कर सकते हैं, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी देना है। थैंक यू सो मच।